दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से सीपीयू के ऊपर सीपीयू फैन लगाया जाता है। सीपीयू तो लगाना बड़ा ही आसान है, लेकिन सीपीयू के ऊपर फैन लगाना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि सीपीयू फैन डेलिकेट होता है और कई बार टूटने का चांस होता है, इसीलिए बड़े ही ध्यान से इसे लगाना होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सीपीयू के ऊपर सीपीयू फैन लगाया जाता है। सीपीयू लगाना बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने सीपीयू ऑलरेडी लगा कर रखा है। सीपीयू फैन लगाने का समझते हैं इस वीडियो में। तो इस तरह से आपका ये प्रोसेसर लगा होता है जनरली, इसके ऊपर हमें फैन फिट करना होता है। फैन फिट करने के लिए सबसे पहले आप इसमें थर्मल पेस्ट लगा लीजिए। थर्मल पेस्ट एक सीपीयू कूलिंग के लिए बहुत काम आता है, यानी कि आप जब ये थर्मल पेस्ट लगाएंगे तो ये सीपीयू को कूल करने में बहुत मदद करता है। अब मैं इसको बताता हूँ कि इसका फैन किस तरह से दिखता है। अब ये फैन है, ये फैन में चार स्टैंड होते हैं, जिसको हमें ये जो होल देख रहे हैं आप, ये एक दो ये तीन और ये चार होल्स होते हैं, जिसमें ये चारों स्टैंड को हमें फिट करना होता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको फिट करना होता है और किस तरह से इसे लॉक करना होता है। ये लॉक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, सही तरीके से करना। अगर सही तरीके से लॉक नहीं करेंगे तो कभी कभी ये टूट जाता है और ये बेकार हो जाता है। तो इसको मैं बताता हूँ किस तरह से इसको लॉक किया जाता है और किस तरह से इसको फिक्स किया जाता है। सबसे पहले हम इसको प्रॉपरली देख लेंगे कि हमारा चारों स्टैंड इसके प्रॉपर स्लॉट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे नीचे दिखाई देगा कि व्हाइट नीचे आ चुका है। व्हाइट नीचे आ चुका है मतलब कि हमारा सीपीयू फैन के चारों स्टैंड नीचे आ चुके हैं और सारे अपने चार अपने अपने होल्स में सेट हो चुके हैं। अब मैं आपको देखिए यहाँ पे एक चीज नोट करना है, यहाँ पे जब भी हम प्रोसेसर को फिट करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक नहीं होगा। ब्लैक जब तभी आएगा जब आपका फैन प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर से प्रेस किया तो यहाँ पे ब्लैक आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर अब ऊपर से स्टैंड देखिए आ जाता है यहाँ पे, और इसी तरह से मैं तीसरे वाले को भी पुश करता हूँ ऊपर से। देखिए इस तरह से आपको पुश करना है, थोड़ा सा हल्का सा पुश करना है, और चौथे वाले को भी पुश कर देते हैं और इसके नीचे देखेंगे तो देखिए ये चारों इसके अंदर हमें आ गया है ब्लैक कलर का। देखिए इसका जो लॉक होता है और इसके अंदर ब्लैक कलर का भी आ गया है। तो अभी क्या करना है, अनु ऊपर से लॉक करना पड़ेगा। इसको लॉक करने के लिए ये देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसमें ना एरो लगा हुआ होगा, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे देखिए ये एरो लगा हुआ होता है। तो अभी हम ये लॉक है और ये हमारा लॉक हो चुका है। इसी तरह से हम सभी को राइट में घुमाएंगे ताकि लॉक हो जाए। ये देखिए अभी ये लेफ्ट की तरफ है, यानी कि इधर टच हो रहा है ये एरो, तो इसको हम घुमा देंगे इस तरफ, ऐसा कर देंगे। थोड़ा सा घुमाना है, ज्यादा नहीं घुमाना है, ताकि ये लॉक हो जाए। देखिए लॉक हो गया, इसको भी इस तरह से लॉक कर देना है। ये हमने ऑलरेडी लॉक कर दिया है। देखिए ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे तो हमको फील आएगा कि ये प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। जब भी आपको निकालना होगा, इन केस कभी निकालने की जरूरत पड़ती है, तो ये वाले पार्ट को पकड़ना है और आपको ये अंदर की तरफ घुमाना है, यानी कि आपको लेफ्ट की तरफ घुमाना है ऐसे करके। तो ये जो एरो है अंदर की तरफ चला जाएगा, मतलब इस तरफ आ जाएगा, जिससे आपका ये लॉक जो पहले था ये अनलॉक हो जाएगा। ये चारों को इसके तरफ करना है, इस सबको लेफ्ट की तरफ घुमाना है खोलने के लिए, इसको भी और इसको भी। चारों को लेफ्ट तरफ घुमाने के बाद आपको थोड़ा सा पुश करना है अपनी तरफ ओपन करने के लिए, तो ये सीपीयू फैन आपका ऊपर आ जाएगा। जेंटली प्रेशर देना है, कहीं पर भी आपको हार्ड प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होता है और इसको संभाल के यूज करना होता है, ताकि आपका कोई भी लॉक ना टूटे और प्रॉपरली वापस से रीयूज कर सको आप। जब भी आप इसको लॉक करोगे तो हमेशा लॉक करते समय राइट में घुमाना है, याद रखना है, और अनलॉक करने के लिए हमेशा लेफ्ट में घुमाना है, यानी कि ये एरो को आपको इस तरफ घुमा देना है। इस तरह से आप अपने सीपीयू फैन को
सीपीयू पे फिक्स कर सकते हो। सीपीयू फैन आपका फिक्स हो जाने के बाद ये एक वायर होता है जो सीपीयू फैन के लिए काम आता है, उसको घुमाने के लिए यानी कि पावर देने के लिए। देखिए यहाँ पे ऐसा कट मारा हुआ रहता है इस वाले कनेक्टर में, तो हमको ये वाले पिन में हमें इंसर्ट कर देना है प्रॉपरली, ताकि हमारा ये पावर कनेक्टर भी फिक्स हो जाए और हमारे सीपीयू फैन को पावर मिलने लगे जब हम इसको ऑन करेंगे। तो इस तरह से आप अपने सीपीयू फैन को सीपीयू पे फिक्स कर सकते हो और उसको लॉक